हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर के कंट्रोल एंड पावर सर्किट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग पावर सर्किट डायग्राम ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक एमसीसीबी दिखाया गया है, फॉरवर्ड कंडक्टर एंड रिवर्स कंडक्टर दिखाया गया है, और एमपीसीबी एंड मोटर दिखाया गया है। इस एमसीसीबी में थ्री फेस एसी सप्लाई इनपुट के रूप में दिया गया है। इसका आउटगोइंग फॉरवर्ड कंडक्टर एंड रिवर्स कंडक्टर के इनपुट में गया है। फॉरवर्ड कंडक्टर का आउटगोइंग रिवर्स कंडक्टर के आउटगोइंग में कैसे कनेक्ट होगा, इसको बहुत विशेष ध्यान से देखना है। इसका फॉरवर्ड कंडक्टर का जो रेड फेस है, रिवर्स कंडक्टर के ब्लू फेस से कनेक्ट होगा। फॉरवर्ड कंडक्टर का येलो फेस रिवर्स कंडक्टर के येलो फेस से कनेक्ट होगा। फॉरवर्ड कंडक्टर का ब्लू फेस रिवर्स कंडक्टर के रेड फेस से कनेक्ट होगा। यानी एक फेस जो है रिवर्स रहेगा, तभी जाके हमारा मोटर जो है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब फिर यानी रिवर्स एंड फॉरवर्ड कंडक्टर का जो आउटपुट है कनेक्ट होने के बाद इसके एमपीसीबी के इनपुट में कनेक्ट होगा, यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। यानी इसका एमपीसीबी का आउटगोइंग जो है मोटर के टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अभी हम लोग इधर पावर सर्किट डायग्राम ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में जाना, अभी इसको कंट्रोल कैसे करेंगे कंट्रोल सर्किट के द्वारा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सर्किट डायग्राम ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर दिखाया गया है। इसको आर एंड वी फेस से कंट्रोल किया गया है। इसमें स्टॉप पुश बटन इधर दिखाया गया है। यहाँ पर फॉरवर्ड स्टार्ट बटन दिखाया गया है। ए जो है फॉरवर्ड कंडक्टर का एनओ पॉइंट है। ए क्या है, रिवर्स कंडक्टर का एनसी पॉइंट है। ए क्या है, फॉरवर्ड कंडक्टर है। इधर क्या दिखाया गया है, ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है। इसी तरह इधर क्या है, आर क्या है, इस रिवर्स कंडक्टर का पुश बटन है। ए क्या है, रिवर्स कंडक्टर का एनओ पॉइंट है। इधर फॉरवर्ड कंडक्टर का एनसी पॉइंट है। ये आर रिवर्स कंडक्टर है। ये क्या है, ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है। फिर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर हम इस मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो यह पुश बटन है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर चलाना है तो इसको प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे आर फेस सप्लाई यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ इसको मिल जाएगा कंडक्टर के कॉइल को। वी फेस सप्लाई यहाँ से पहले से यहाँ मिला हुआ है। जैसे इसको यहाँ मिले कंडक्टर ऑन हो जाएगा। कंडक्टर ऑन होते ही ये जो सप्लाई यहाँ इसके थ्रू यहाँ जा रहा था, तो क्योंकि यहाँ प्रेस करने के बाद ये तो फिर ऑफ हो जाता है, तो केवल इसको ऑन कराने के लिए एक बार ये प्रेस करना पड़ता है। जैसे ऑन हो जाएगा ए जो है, ए जो यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ए ऑन होगा और ए आर फेस सप्लाई जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, तभी क्या होगा, ये यहाँ ओपन होगा, यही सप्लाई यहाँ से होके ए इसके थ्रू यहाँ इसमें जाएगा। यानी जो अभी ए एफ जो है येनो दिख रहा है, ए जैसे ऑन होगा एफ कंडक्टर, ए जो है क्लोज हो जाएगा। यानी आर फेस सप्लाई जो है इसके थ्रू यहाँ ऐसे मिलता रहेगा और मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इसको बंद करना होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोटर चल रहा है, तो यहाँ स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे, मोटर बंद हो जाएगा। अगर इसको जब रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करना है मोटर को, तब क्या करना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन का जो स्टार्ट बटन है इसको प्रेस करेंगे। उस टाइम क्या होगा, जो आर फेस सप्लाई यहाँ से होके जैसे इसको प्रेस करेंगे तुरंत यहाँ जाके इसको मिल जाएगा आर फेस सप्लाई इसके रिवर्स कंडक्टर के कॉइल को, और वी फेस सप्लाई यहाँ तो ऑलरेडी पहले से है, तो मोटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में रनिंग करने लगेगा। जैसे इसको छोड़ेंगे ए ऑन होगा, ए ऑन होते ही ये जो रिवर्स डायरेक्शन का जो कंडक्टर का एनओ पॉइंट है एनसी हो जाएगा।
यानी ए सप्लाई जो इसके थ्रू गया था तो इसके थ्रू यहाँ ए ओपन हो जाएगा, तो ए जाके इधर इसके थ्रू यहाँ मिलता रहेगा और मोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहेगा। जब इसको बंद करना होगा तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देंगे तो मोटर जो है स्टॉप हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो जिस तरीक़े से आप लोगों को समझाया हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।